हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा जैन एस्ट्रोनॉलेज चैनल से। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही है नेम न्यूमरोलॉजी पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम कार्मिक नंबर के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि हम अपना नेम नंबर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और नेम नंबर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब तक आप ये भी जान गए होंगे कि इंग्लिश के ए से जेड अल्फाबेट तक को 1 से लेकर 9 अंक तक के कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। न्यूमरोलॉजी में ये 1 से 9 तक के अंक किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन ग्रहों के अनुसार ही हमारा व्यक्तित्व और हमारा जीवन प्रभावित होता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन सा अंक किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अंक 1 सूर्य का, अंक 2 चंद्रमा का, अंक 3 बृहस्पति का, अंक 4 राहु का, अंक 5 बुध का, अंक 6 शुक्र का, अंक 7 केतु का, अंक 8 शनि का और अंक 9 मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार अंक 1 से लेकर 9 तक के इकाई अंक नव ग्रहों के प्रतीक माने जाते हैं। अब नेम न्यूमरोलॉजी में ये अंक और ग्रह क्या भूमिका अदा करते हैं, आइए इसको समझें। दोस्तों, नेम न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम अपना कार्मिक नंबर जान सकते हैं। कैसे, आइए एक उदाहरण द्वारा जानें। अक्षत कोठारी नाम के लिए अलग अलग अल्फाबेट्स के लिए अंक इस प्रकार होंगे। ए के लिए 1 अंक, के लिए 2 अंक, S के लिए 3 अंक, H के लिए 5 अंक, A के लिए 1 अंक और T के लिए 4 अंक। इसी तरह कोठारी के K के लिए 2 अंक, O के लिए 7 अंक, T के लिए 4 अंक, H के लिए 5 अंक, A के लिए 1 अंक, R के लिए 2 अंक और I के लिए 1 अंक। इस नाम में जो अंक रिपीट हो रहे हैं वही इस व्यक्ति के कार्मिक नंबर कहलाएंगे। ये अंक हैं 1, 2, 4 और 5, अर्थात इन अंकों से संबंधित ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि कार्मिक नंबर वे नंबर होते हैं जो व्यक्ति को पूर्व जन्म में किए गए अपने अच्छे कर्मों के आधार पर इस जन्म में मिलते हैं। ये कार्मिक नंबर व्यक्ति का एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ स्ट्रेंथ बताते हैं। इस प्रकार दोस्तों, कार्मिक नंबर के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि किन ग्रहों के सकारात्मक परिणाम हमें इस जीवन में प्राप्त होंगे। किंतु दोस्तों, यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि केवल नाम के आधार पर ही हम ग्रहों के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का निर्णय नहीं कर सकते। अनेक बार हमने ऐसा भी देखा है कि नाम परिवर्तन के बाद बहुत से लोगों के सितारे चमक गए। यहाँ आपके मन में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि इस तरह तो प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम में परिवर्तन कर सभी ग्रहों के सकारात्मक प्रभावों को प्राप्त कर सकता है, तब नेम न्यूमरोलॉजी के कार्मिक नंबर का क्या महत्व रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि हमारे जीवन पर नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में स्थित ग्रह नक्षत्रों से निकलने वाली रश्मियों, देश काल परिस्थिति और पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है। तो केवल नाम के आधार पर ही हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। यहाँ कार्मिक नंबर जानने का मतलब यही है कि हम कम से कम यह जान सकें कि जो भी नाम हमें दिया गया है उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या हमें उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, और यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो हम किस प्रकार परिवर्तन द्वारा ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आशा है दोस्तों, मेरे कहने का आशय आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा रखेंगे। जैसे जैसे हम इस विषय में आगे बढ़ते जाएंगे,
वैसे वैसे आप इस गहन विषय की सच्चाई को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरे आगे आने वाले वीडियोस को और मेरे चैनल एस्ट्रो नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।